पोको F1 के लिए पैरानोइड एंड्रॉयड का न्यू अपडेट एक आया हुआ है। ऑफिशियल अपडेट है ये एंड्रॉयड 13 का। लास्ट रिव्यू करीब 4 से 5 मंथ पहले किया हुआ था, तब यहाँ पे एक दो यूज़र भी बोले थे कि इसका रिव्यू करने के लिए। तब देखते हैं यहाँ पे हमें चेंजेस आखिरकार कितने मिलते हैं, क्योंकि ये स्टॉक टाइप के पूरा आपको इसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है, सिंपल है पूरा आपका ये रोम। अब यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा, कैसा एनिमेशन है, गेमिंग कैसा, बैटरी कैसा, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और जो भी चेंजेस होने के बारे में हम ज़्यादातर यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि ये पैरानोइड एंड्रॉयड वर्जन टॉपाज 2 है, ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 के साथ में आता है। सिक्योरिटी पैच अप्रैल 2023 का लेटेस्ट है, कर्नल टॉपाज का ही है, बट पिछले वाले से अपडेटेड आपको ये मिल जाता था। कर्नल अपडेट किया गया उस टाइम से लेकर अगर हम देखें तो। एंड क्विक पैनल QoS लैग अगर देखोगे तो काफ़ी लाइट सा रहता है इसके अंदर में, और पूरी तरीके से लेटेस्ट आपका ये ऊपर क्लॉक बड़ी मिलती है एंड्रॉयड 13 QPR 2 पे बेस्ड है। और इंटरनेट पे हॉटस्पॉट पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। वहीं ब्लूटूथ टाइल भी पहले पॉपअप वाला था, जो कि अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट मेन सेटिंग्स पे जा रहा होल्ड करने पे भी, तो यहाँ पे न्यू नहीं है। और यहीं पे जो है डाटा यूजर्स भी था, जो कि अभी बिल्कुल रिमूव है। और एडिट में जाएंगे तो रीसेट बटन जैसे कि लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा अब इसके अंदर में। और यहाँ पे टाइल्स के मामले में ये जो है एक USB का टाइल था वो फिलहाल इसके अंदर रिमूव हुआ है, बाकी कुछ भी न्यू नहीं है। और पावर मेन्यू भी आपका पहले वाला ही रहेगा पूरा का पूरा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो वॉल्यूम पैनल यहाँ पे जो है आपको ये कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ये कि यहाँ पे रिंगटोन का भी दे दिया गया, यानी कि रिंग वॉल्यूम का भी ऐड किया गया है। वहीं ऐप ओपनिंग में यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐप ओपनिंग मिलती है। ऐप ओपनिंग को लेकर के ऐसा दिक्कत नहीं है फिलहाल, ऐप ओपनिंग आपको इसके अंदर अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पे अब बात करते हैं हम यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल के बारे में, तो इसके अंदर आपका वॉलपेपर हालांकि जो यूज़ करा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बट यहाँ पे जो है नीचे आपको जो है ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर पहले वाले इनबिल्ट वॉलपेपर आपको मिलेंगे। और यहाँ पे पैरानोइड लॉन्चर ही मिलता है, जो कि बिल्कुल सिंपल कुछ इस तरीके का है, ज़्यादा कुछ खास आपको नहीं मिलेगा। और प्ले स्टोर सर्टिफाइड आता है इसके अंदर, इनबिल्ड ही सर्टिफाइड रहेगा, तो सेफ्टी नेट पास है, तो बैंकिंग ऐप आप आराम से यूज़ कर पाओगे, इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा गो ही भी इनबिल्ड मिलता है जैसे पहले मिला करता था, बाकी आप इसके अंदर GCam इंस्टॉल कर लेना, GCam आपका अच्छे से काम कर जाएगा, खासकर 8.1 तो यहाँ पे इंस्टॉल आप कर लेना। लेटेस्ट वाले में थोड़ा दिक्कत रहता है कुछ कुछ में, बट ओल्ड वाले आपके सही से काम कर जाएगा। वैसे इसके अंदर वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर कोई भी FM आपको नहीं मिलता, FM रेडियो नहीं है यहाँ पे। और गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, तो इसको लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड स्टोरेज हमें गूगल फोटो में मिल जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पे रहेंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मीडिया भी दिखा दूँ, क्योंकि मीडिया लेआउट में थोड़ा सा अब चेंजेस हुआ है, यानी कि एनिमेशन का थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है कि इसका जो प्ले पाउस पे बटन पे वेब एनिमेशन अब आपको मिल जाता है। हालांकि सीमर एनिमेशन भी बाकी में देखने को मिलता, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी एनिमेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो है प्ले पाउस पे ही आपको जो है ये वेब एनिमेशन देखने को मिलने वाला है, बाकी और ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ। और इसका जो मीडिया का जो वॉल्यूम स्लाइडर है अभी भी बाकी डिवाइस की तरह ही है, यहाँ पे जो है बाकी रोम्स में देखोगे बाकी डिवाइस में तो सेम जो है अभी भी इसके अंदर भी आपको लैग मिलता है। तो ये रहेगा फिलहाल, इसका ऐप भी मिल जाता है वॉलपेपर ऐप का। और बात करें यहाँ पे कॉलिंग के बारे में, तो कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग है, एंड वाईफाई कॉलिंग सेटिंग्स इनेबल कर लेना, ये भी काम करता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे वर्किंग है। कॉल रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर मिलता है, बट अलर्ट कर देगा वर्किंग है लेकिन। एंड ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम करे, उसको लेकर के भी कोई इशू नहीं है। और सेटिंग में जाते हैं तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर यहाँ पे हमारा जो है इसके अंदर ये आपको यहाँ पे जो है ये वाईफाई कॉलिंग मिल जाता है, जो कि काम करा जैसे कि इनेबल कर लेना। हॉटस्पॉट में वाईफाई आपको यहाँ पे मिलता है, हॉटस्पॉट जो बैंड्स है वो आपको मिल जाएंगे, डुअल बैंड्स तक का भी दिया गया है। और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर कास्ट बिल्कुल वर्किंग है, कास्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसके ऐप्स के अंदर में यहाँ पे असिस्टेंट शो नहीं कर रहा, बट वर्किंग असिस्टेंट यूज़ कर पाओगे, लॉन्चर सेम ही रहेगा। और यहाँ पे बैटरी की सेटिंग में भी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% बैटरी मिला है, पिछले में भी 87 ही था उस टाइम पे, तो कर्नल भी सेम ही आ रहा है अपडेटेड है, बट यहाँ पे बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पे आपका मीडिया ऑलरेडी आपको जैसे कि दिखा दिया, बट सेटिंग में कोई चेंज नहीं है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक सेम है। और बाहर भी यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो इसके अंदर भी ऐसा कोई चेंज हुआ नहीं है, माई साउंड सेंसर बिल्कुल काम कर रहा है। हाईफाई पहले भी नहीं मिलता था, बट सेलेक्ट सीन है जो कि काम कर रहा है इसके अंदर में। फिर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर लॉक्सिन में जाता हो तो लॉक्सिन आपका पूरा सेम रहने वाला है, अम्बेंड डिस्प्ले दिया हुआ है इसके अंदर आपको, रेस्ट बैक मिल जाएगा, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है। डार्क थीम भी नॉर्मली है, आइकन मैनेजर यहाँ पे, बट इसके अंदर ट्रैफिक इंडिकेटर या फिर आपका वोल्टी आइकन हो गया ये सब देखने को नहीं मिलता है, अभी भी इसके अंदर वो देखने को नहीं मिलता।
और नीचे रोटेशन मोड नॉर्मली रहेगा एंड मोड्स नहीं मिलते रोटेशन के। और यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपका सेटिंग सेम है, मोर सिक्योरिटी में अगर देखोगे तो डिक्रिप्टेड है, बट ये इनक्रिप्टेड आता, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया हूँ। सेटिंग में ऐसा कोई चेंज नहीं है, अनलॉक योर फोन मिल जाता है, वेरीफाई इट्स यू इन ऐप, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं पहले वाली, बट यहाँ पर ऐसा कुछ न्यू ऐड नहीं हुआ। बाकी आपका फिंगरप्रिंट अच्छे से काम करे, फेस अनलॉक आईआर फेस अनलॉक है तो इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, आईआर फेस अनलॉक हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर, ऐप लॉक नहीं मिलता इसके अंदर। एंड फिर नीचे सिस्टम के अंदर जाते हैं जेस्चर में, तो यहाँ पे भी आपको सिस्टम नेविगेशन के अंदर कोई चेंज नहीं मिलता। और यहाँ पे आपका जो ये प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है ये सेम रहेगा, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट में आपको जो पहले मिलता था उसी तरीके से रहेगा, डिलीट मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्विक पुल डाउन था पहले, वो ऑप्शन जरूर रिमूव हो गया है और स्क्रीन ऑफ जेस्चर पहले वाला ही रहेगा और यहाँ पे कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता था। ये सारी चीज़ें जो है आपकी पूरी सिमिलर रहेगी, सिस्टम अपडेटर पहले नहीं मिलता था तो ये अब देखने को मिल जाता, तो एक चेंज जरूर यहाँ पे मिल जाता है। और उस टाइम पे जब रिव्यू किया था तब अनऑफिशियल साथ तक देखने को मिलता था, अभी ये ऑफिशियल है, यहाँ पे अपडेटर भी अब मिल जाता है। और अब बात करें एंटूटू स्कोर के बारे में तो 4,21,000 है, 261 है, पिछले में 4,26,000 था, यानी कि सिमिलर स्कोर है। सीपीयू थ्रोलेट यहाँ पे जो है 91% मिला और इसका जो जीप स्कोर है 2,04,000 है, मैक्स पे एवरेज स्कोर 1,94,000 है। पिछला सीपीयू थ्रोलेट 82% देखने को मिला था तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर बेटर है। और गीगबेंच स्कोर सिंगल में यहाँ पे 565 है और मल्टी के अंदर 1982 है, पिछला सिंगल स्कोर 495 था और मल्टी के अंदर 2194 जो है देखने को मिला था। और यहाँ पे हमारा ग्राफिक भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, स्मूथ पे एक्सट्रीम यानी कि अल्ट्रा पे, एचडीआर पे अल्ट्रा तक रहेगा, तो पूरा वही सेम ग्राफिक है, ग्राफिक के में भी कोई चेंजेस ग्राफिक में नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको पहले भी ठीक ठाक बताता था और अभी भी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत देते हुए देखने को मिला, यानी कि जैसे जैसे आप गेम खेलते चले जाओगे तो आपको वो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिलती है टच रिस्पॉन्स को लेकर के, कि गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको यानी कि गेमिंग जो है उतनी अच्छी इसके अंदर नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे जैसे जैसे आप खेलते जाओगे थोड़ा टाइम और बिताते जाओगे गेम के अंदर तो ये जो है एक दिक्कत देने लग जाता है टच रिस्पॉन्स को लेकर के, वो आपका काफ़ी स्लो सा आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक दिक्कत देखने को मिली है इसके गेम के अंदर में। बाकी यहाँ पे नॉर्मल एनिमेशन ठीक है, उन सब में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी जो है आपको लाइट लैग ही मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी कोई हैवी लैग नहीं मिलता है, बट यहाँ पे नॉर्मली आप गेम खेलोगे तो भी आपको जो है धीरे धीरे जो है जैसे टाइम बीतता चला जाएगा थोड़ी देर बाद आपका टच रिस्पॉन्स और स्लो सा आपको थोड़ा सा फील होने लग जाएगा, ये चीज़ देखने को मिला था। गेमिंग के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक, यानी कि यहाँ पे गेमिंग आपको नहीं मिलेगा ठीक ठाक, नॉर्मल के लिए ठीक है बट ऐसे अगर आप ज़्यादा खेलते हो तो फिर बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे गेमिंग आपको नहीं मिलेगा। और बाकी एनिमेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल सिंपल सा रोम है, अगर जिसको यूज़ करना होगा तो डेली लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंपल के लिए ठीक है, बट गेमिंग वेमिंग कस्टमाइजेशन चाहिए तो ऐसा फिर इसके लिए फिर आप इस पर मत आओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अंदर आपका नॉर्मल के लिए ठीक है, बाकी जैसे कि बताया गेमिंग वालों के लिए गेमर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो यही था इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।